नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप लोगों का डेयर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हुए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट लेसन से। दोस्तों, मेरे आप इन वीडियो को देखना ना बोले, क्योंकि इन वीडियोज में मैंने अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इन सभी प्रश्नों का समावेश किया हुआ है। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिस्मार्क के बारे में। दोस्तों, बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में ब्रैंडेनबर्ग में हुआ था। यह प्रशा का चांसलर था और यह प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। दोस्तों, बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में ब्रैंडेनबर्ग में हुआ था और यह राष्ट्रवादी था। जी हाँ दोस्तों, इटली के एकीकरण में जितने भी लोग थे वे सभी राष्ट्रवादी थे। ये ही राष्ट्रवादी था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया। दोस्तों, इस नोट से आपको पता चलेगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हर बार, तो इन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं इन इस नोट्स को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों, वीडियो पर आप लगे रहिए। दोस्तों, यह राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। दोस्तों, कूटनीति क्या होता है? राष्ट्रवादी भावना और राजनीति, इन दोनों से सबसे ऊपर जो होता है उसे कूटनीति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने राजनीति लिखी है, लेकिन उनकी कूटनीतिज्ञता के कारण वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने देश का सम्राट उन्होंने ही बनाया था। इसी प्रकार से बिस्मार्क ने एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है दोस्तों, इसने अपनी कूटनीति के दम पर पूरे जर्मनी का अकेले ही एकीकरण किया था। दोस्तों, देखेंगे कि इसने अकेले ही जर्मनी का एकीकरण कैसे किया था। दोस्तों, 1862 ईस्वी में यह जर्मनी का प्रधानमंत्री बना और जर्मनी के एकीकरण के लिए यह किसी भी कदम को अनुचित नहीं माना जाता। दोस्तों, 1861 में विक्टर विलियम प्रथम जो था वहाँ का राजा था प्रशा का, और प्रशा का यह चांसलर था बिस्मार्क। 1862 ईस्वी में यह प्रशा का चांसलर बना। दोस्तों, चांसलर कहिए या प्रधानमंत्री कहिए, दोनों बात एक ही है। उस टाइम में चांसलर को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। दोस्तों, बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण किसी भी बौद्धिक भाषण या आदर्शवाद से नहीं और ना ही किसी बहुमत के निर्णय से होगा, बल्कि प्रशा के नेतृत्व में रथ एवं लौह की नीति से होगा। दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर रथ एवं लौह की नीति। जी हाँ दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रथ एवं लौह की नीति किसने दिया था? तो दोस्तों, रथ एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने दिया था। ठीक है दोस्तों, रथ एवं लौह की नीति किसने दिया था? तो दोस्तों, रथ एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने दिया था, जिसने अकेले दम पर जर्मनी का एकीकरण किया था। दोस्तों, ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति के बारे में हम लोग इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसने रक्त एवं लौह की नीति का पालन करते हुए जर्मनी के क्षेत्रों का एकीकरण किया था। दोस्तों, चूंकि यह प्रशा मनाता था इसलिए इसने प्रशा का नाम बहुत बार यूज किया था, इसलिए कभी कभी कहा जाता कि प्रशा का प्रशाकरण किसने किया था? तो दोस्तों, बिस्मार्क ने किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यह भी आता है शुरू वाले लाइन से कि बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, बिस्मार्क का जन्म 1815 में और ब्रैंडेनबर्ग में इसमें हुआ था। और दोस्तों, ये भी क्वेश्चन होता है कि जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क कब बना था? दोस्तों, इस वो जर्मनी का चांसलर जो है 1862 ईस्वी में बना। दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने बहुत सारे कदम उठाए थे, जैसे कि रक्त एवं लौह की नीति इत्यादि। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था और इसने रक्त एवं लौह की नीति के द्वारा जर्मनी के क्षेत्र का प्रशाकरण किया और एकीकरण भी किया। दोस्तों, कूटनीतिक यानी कि अपने दिमाग के दम पर इसने दिमाग लगाया और दिमाग और सशस्त्र बल के द्वारा इसने जर्मनी का एकीकरण किया। इसके लिए इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, यानी कि सशस्त्र सेना इसने भी गठित की थी। गैरिबाल्डी की तरह इसने भी एक अलग सेना गठित की थी, चाहे जिस तरह से भी हो जर्मनी को हमें इकट्ठा करना है। जर्मनी के कुछ भाग जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के क्षेत्र के अधीन में आते थे। इसने डेनमार्क से युद्ध किया, फ्रांस से युद्ध किया और ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। दोस्तों, ऑस्ट्रिया से इसने युद्ध किया था 1866 ईस्वी में, जिसे सेडेवा का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों, ठीक है, जिसके द्वारा उसने अपने उसके अधीन जो जर्मनी का क्षेत्र था उसे जर्मनी मिला है। इसी प्रकार से उसने ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस में मिले हुए क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण किया। दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने
कुछ महत्वपूर्ण तीन जैसे कहा जाता है नियम, उससे तीन उद्देश्य थे या फिर उसने तीन नियम बनाए थे जिसके द्वारा उसने जर्मनी का एकीकरण किया और जर्मनी के एकीकरण करने में हुआ सफल हो गया। दोस्तों इटली के एकीकरण करने में हम लोगों ने पढ़ा था मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबोल्डी और विक्टर इमैनुअल, इन ऐसे लोग थे जो कि चार पांच आदमी मिलकर इटली का एकीकरण किया था, लेकिन बिस्मार्क ने अकेले अपने ही दम पर जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण करने के बाद इसने विलियम प्रथम को वहां का राजा घोषित किया था। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जर्मनी के सम्राट को वहाँ क्या कहा जाता था। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के तीन उद्देश्य थे, वो कौन कौन से थे। दोस्तों पहला उद्देश्य था बिस्मार्क का प्रशा को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण। जी हाँ दोस्तों, प्रशा का वह चांसलर था इसलिए उसने प्रशा के ही नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करने की ठानी थी, क्योंकि वो प्रशा का क्षेत्र उसका अधीन था, प्रशा के लोग उसके बात मानते थे, प्रशा की सेना उसके साथ थी, इसलिए प्रशा को उसने पहले क्या किया, सबसे पहले प्रशा का शक्तिशाली बनाना स्टार्ट किया। इसको शक्तिशाली बनाने के बाद इसने अलग अलग देशों पर, जैसा कि मैंने पहले पीछे बताया था कि डेनमार्क से इसने युद्ध किया, ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, फ्रांस से युद्ध किया, तो पहले प्रशा को इसने शक्तिशाली बनाया और उसके बाद अलग अलग अपने विपक्षी देशों से इसने जर्मनी के क्षेत्रों को जर्मनी में मिलाना शुरू किया। इसका दूसरा उद्देश्य था ऑस्ट्रिया को परास्त कर उसे जर्मन परिसंघ से बाहर करना। दोस्तों ऐसा क्या था, जर्मनी के जैसे कि जर्मनी का जो क्षेत्र होता है उसमें ऑस्ट्रिया था, ठीक है दोस्तों, और इन दोनों पर किसी और का कब्जा था, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी उसमें रहे और ना ही जर्मनी चाहता था कि उसमें ऑस्ट्रिया रहे, लेकिन ऑस्ट्रिया का मानना था कि जर्मनी जो है हमें मिल जाएगा तो हमारा अधिकार इस पर हो जाएगा। इसके विरुद्ध बिस्मार्क ने उस पर अटैक किया 1866 ईस्वी में, और 1866 ईस्वी का जो युद्ध था उसे सेडवा का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों सेडवा के युद्ध के तहत उसने ऑस्ट्रिया को परास्त कर उसके अधीन जो जर्मनी का क्षेत्र था उसे अपने जर्मनी में मिला लिया और ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ से बाहर कर दिया। इसका दूसरा उद्देश्य था जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। जी हाँ दोस्तों, किसने पहले प्रशा को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया, उसके बाद ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ से बाहर कर दिया, और इन सब के बाहर करने के बाद जब 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरी तरह से संभव हो गया, वहां का राजा विलियम प्रथम जब बन गया, तब जाके इसने कहा कि जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना हुआ, क्योंकि जब जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा तो कोई भी जो है अगल बगल का देश इस पर आक्रमण नहीं करेगा और ना ही किसी इसके आसपास के क्षेत्रों को अपने में मिलाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से उसने जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर पूरे यूरोप में अपने रक्त एवं लौह की नीति का डंका बजाया। पूरे यूरोप क्या, हम लोग पूरे विश्व में मान सकते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति को उसने अपना डंका बजवाया, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का ही पालन करते हुए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश के कुछ क्षेत्रों का एकीकरण किया था। दोस्तों क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, उसका भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना, दो क्वेश्चन का, कि हमारे देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, इसका कमेंट सेक्शन आप आंसर दीजिएगा। दूसरा सवाल है सेडवा का युद्ध कब और किन के बीच में हुआ था, इसका आंसर आपको देना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों मैंने अभी इस वीडियो में इसका आंसर भी बताया हुआ है, ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। दोस्तों अगला सवाल है कि जर्मनी का जो सम्राट है, जी हाँ दोस्तों, जो जर्मनी के सम्राट हैं उन्हें जर्मनी में क्या कहा जाता था, ठीक है दोस्तों, जर्मनी के सम्राट का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसका मैं आंसर आपको कमेंट में ही बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। जर्मनी के सम्राट को क्या कहते थे, ये आपका दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, रिप्लाई करना है। मैं जो भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा मैं उसको बताऊंगा कि उसका आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे रक्त एवं लौह की नीति के बारे में, इसे हमारे बिस्मार्क ने दिया था। रक्त एवं लौह की नीति क्या है दोस्तों, तो रक्त एवं लौह की नीति के नोट्स लिखकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने रक्त एवं लौह की नीति के बारे में बोर्ड पर लिख दिया है, जिसके अनुसार रक्त एवं लौह की नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। इस नीति के अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, इस नीति के अंतर्गत बिस्मार्क का उद्देश्य सैन्य शक्ति उपायों के द्वारा
यानी कि सशस्त्र सेना के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करना था। ठीक है दोस्तों, रॉक एंड लॉक नीति बिस्मार्क ने क्यों अपनाई थी, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए रॉक एंड लॉक नीति को अपनाया था। दोस्तों मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है जर्मनी के सम्राट को, इसको मैंने फिर से लिखा है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कि जर्मनी के सम्राट को और क्या कहा जाता है, जर्मनी सम्राट के अलावा उसे और क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा बिस्मार्क के बारे में और रॉक एंड लॉक नीति के बारे में, ठीक है दोस्तों, और ये भी पढ़ा कि बिस्मार्क ने कैसे जर्मनी का एकीकरण किया। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसे आप लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।